हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी फिल्म की एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं जिसे हॉरर जॉनरे में एक कल्ट क्लासिक माना जाता है और इस फिल्म को कई लोग वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज में से एक मानते हैं। अब चूंकि ये फिल्म 1982 में रिलीज हुई थी तो इसे अगर आप आज देखेंगे तो आपको ये ओके ओके टाइप ही लगेगी, लेकिन 1982 के हिसाब से सचमुच ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन थी। टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पॉल्टरजाइस्ट मूवी की बातें कर रहा हूँ जिसे टोबे हूपर ने डायरेक्ट किया है। आईएमडीबी पे पॉल्टरजाइस्ट मूवी की रेटिंग है 7.4 स्टार्स आउट ऑफ 10, रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 86% फ्रेश और इस फिल्म की मेटाक्रिटिक स्कोर है 79 out of 100। तो आज की वीडियो में हम और आप मिलकर पॉल्टरजाइस्ट मूवी की कहानी जानते हुए इसके एंडिंग को ठीक ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मेरे ऑफिस कलीग अभिनव ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है द अनफॉर्चुनेट्स। ये किताब चार लोगों की कहानी पर आधारित है, तो अगर आप इस बुक को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं इस बुक को अमेज़न से खरीदने का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये किसी भी तरह की स्पॉन्सरशिप नहीं है, इट्स जस्ट दैट आई वांटेड टू हेल्प आउट माय कलीग। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम व्यूअर्स एक परिवार को देख पाते हैं जिसमें पति का नाम स्टीवन था और पत्नी का नाम डायना था। इनके तीन बच्चे थे जिनका नाम डायना, रॉबी और कैरल था। स्टीवन एक रियल स्टेट डेवलपर थे जहां वो अपने काम में काफ़ी माहिर थे और डायना एक हाउसवाइफ थी जो कि अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती थी। ये परिवार क्वेस्टा वर्ड एस्टेट्स नामक प्लान्ड कम्युनिटी में रहते थे जो कि काफ़ी बड़ा और अच्छा था। तो एक रात इस परिवार की सबसे छोटी बेटी कैरल घर में रखे टीवी सेट से बातें करने लगती है, जबकि टीवी पे सिर्फ स्टैटिक आ रहा था। परिवार वालों को लगता है कि कैरल स्लीप वॉक कर रही होगी, लेकिन इसके ठीक अगली रात कैरल वापस से टीवी के सामने बैठती है और अचानक इस टीवी के अंदर से एक हाथ कैरल पे काइंड ऑफ अटैक करता है। इसके बाद ये फिगर एक स्मोक की तरह कमरे में फैल जाती है और ऐसा होते ही घर में बड़ी सी अर्थक्वेक आती है। जब ये अर्थक्वेक रुकती है तो कैरल एकदम से बोलती है, दे आर हियर। तो इसके अगले दिन ये परिवार ब्रेकफास्ट टेबल पे थी जब एक ग्लास अपने आप ही टूट जाती है। स्पून्स और फोक्स एकदम मुड़े हुए थे और कैरल वापस से टीवी के स्टैटिक को देख रही थी। घर का कुत्ता छत की ओर देखकर भौंके जा रहा था और घर में रखे चेयर्स बार बार अपनी पोजीशंस बदल रहे थे। नाउ दिस वाज क्वाइट स्ट्रेंज फॉर डायना और वो इन सब के बारे में कैरल से पूछती है। कैरल का कहना था कि ये सारी हरकत टीवी पीपल की है जो पिछली रात टीवी से बाहर आ चुके हैं। अब दोस्तों, ये एक्टिविटीज़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और उसी दिन शाम को डायना डिस्कवर करती है कि किचन के एक पर्टिकुलर स्पॉट पर अगर कुछ रखा जाए तो वो चीज़ अपने आप ही मूव होती है, बीट एन ऑब्जेक्ट और ह्यूमन। इन चीज़ों को देखकर स्टीवन भी शॉक में थे, लेकिन वो इस फिनोमेनन को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसी रात हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि घर के बैकयार्ड में खड़ा एक नॉल्ड पेड़ जीवित हो उठता है और ये पेड़ रॉबी को उठा लेता है। स्टीवन अपने बेटे रॉबी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये पेड़ रॉबी को काइंड ऑफ निगलने की कोशिश कर रहा था। चारों तरफ तूफान आ चुकी थी और कैरल के कमरे की कपबोर्ड से एक इनविजिबल पुलिंग फोर्स कैरल को अंदर खींचने की कोशिश कर रही थी। स्टीवन किसी तरह रॉबी को तो बचा लेते हैं, लेकिन इतने देर में कैरल अपने कपबोर्ड के अंदर खींचकर गायब हो चुकी थी। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कपबोर्ड के अंदर किसी तरह का पोर्टल था जिसने कैरल को अंदर खींच लिया है। नाउ ये परिवार कैरल को घर में हर जगह खोज रहे थे जब रॉबी और डायना को कैरल की आवाज टीवी के अंदर से आती है। जी हाँ दोस्तों, कैरल समहाउ उस पोर्टल के थ्रू किसी दूसरे डिमेंशन में पहुंच गई थी और उस डिमेंशन से कैरल की आवाज एक पर्टिकुलर टीवी चैनल पे आ रही थी। इन सारी घटनाओं को देखकर स्टीवन समझ चुके थे कि ये सब सुपरनैचुरल हैपनिंग्स है और इसीलिए वो पुलिस को इन्फॉर्म करने के बजाय कुछ पैरासाइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं।
इन पैरासाइकोलॉजिस्ट्स के नाम थे डॉक्टर लेश, रायन एंड मार्टी, और ये लोग यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में रिसर्चर्स थे। ये तीनों फौरन ही स्टीवन के घर आते हैं, जहां इन्हें कैरल के कमरे में चीजें अपने आप ही उड़ती हुई दिखती है। दिस वॉज शॉकिंग फॉर डॉक्टर लेश, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब पोल्टरजाइस्ट एक्टिविटीज हैं। डायना उन्हें टीवी पे अपनी बेटी कैरल की आवाज़ सुनाती है, जहां कैरल इनसे मदद मांग रही थी, और कैरल का कहना था कि उसे एक लाइट सोर्स दिख रही है जिससे वो काफ़ी डरी हुई है। इन्हीं घटनाओं के दौरान इस घर के लिविंग हॉल में एक काइंड ऑफ पोर्टल ओपन होता है, जिससे कुछ सामान जमीन पे आकर गिरती है। दोस्तों, इस घर में हो रही असाधारण घटनाएं बढ़ती जा रही थी, जैसे कि किसी इनविजिबल फोर्स द्वारा लोग अपने आप पुल हो रहे थे, मार्टी के शरीर पे किसी अनजान शक्ति के काट खाने के निशान आ गई थी इत्यादि। इन सब के अलावा मार्टी को अपना चेहरा सड़ता हुआ भी दिखता है, लेकिन जल्द ही वो रियलाइज करता है कि दिस वॉज जस्ट अ हेलुसिनेशन। तो देर रात इन लोगों को कैरल के कमरे में एक अजीब सी लाइट निकलती दिखती है, जो कि किसी ह्यूमन शेप का आकार ले रही थी, और ये लाइट लिविंग रूम के अंदर ऐसे गायब होती है मानो यहाँ किसी तरह की पोर्टल हो। डॉक्टर लेश अब समझ चुकी थी कि इस घर में एक नहीं बल्कि कई पोल्टरजाइस्ट मौजूद हैं, और इसीलिए शी डिसाइड्स कि वो अपने साथ एक स्पिरिचुअल मीडियम को लेकर वापस लौटेगी। तो अगले दिन स्टीवन के बॉस उनसे मिलने आते हैं, क्योंकि स्टीवन कुछ दिनों से ऑफिस नहीं गए थे, और अपने बॉस से बातचीत के दौरान स्टीवन को पता चलता है कि क्वेस्टा वर्द स्टेट्स एक शमशान के ऊपर बना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्डर्स ने सेमेट्री को कहीं और लोकेट कर दिया था, और इस बात को सुनकर स्टीवन काफ़ी नाराज थे। वो अपने दोनों बच्चों को रिलेटिव्स के घर भेज देते हैं, क्योंकि आज की रात ये लोग स्पिरिचुअल मीडियम की मदद से कैरल को वापस लाने की कोशिश करने वाले थे। तो रात होती है और डॉक्टर लेश अपने साथ टैंजीना बैरन्स नामक औरत को लाती है, जो कि एक स्पिरिचुअल मीडियम थी। घर में आते ही टैंजीना अजीब सी चीजें महसूस करती है, और वो कैरल के कमरे की जांच पड़ताल भी करती है। टैंजीना बताती है कि कैरल अब भी जिंदा है, और वो इसी घर के अंदर है। जी हाँ दोस्तों, टैंजीना के हिसाब से कोई भी इंसान मरता नहीं है, बल्कि वो एक डिफरेंट स्फीयर ऑफ कॉन्शियसनेस में चला जाता है। ये एक ट्रांजिशन की तरह है, जहां मरने के बाद आत्मा शरीर छोड़ के लाइट की तरफ जाती है, जिसके थ्रू आत्माएं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चली जाती है। लेकिन दोस्तों, कुछ आत्मा इस लाइट की तरफ जाने वाले रास्ते पे भटक जाते हैं, जिस वजह से वो अर्थली प्लेन में ही फंसे रह जाते हैं, और ऐसी आत्माएं शांत नहीं होती है। कैरल फिलहाल ऐसी जगह पे है जो कि हमारे वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच का रास्ता है, और ये आत्माएं कैरल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि कैरल के अंदर लाइफ फोर्स है। हर एक जीवित इंसान के अंदर एक लाइफ फोर्स होती है, जो कि एक पावरफुल लाइट की तरह है, और ये आत्माएं स्पिरिचुअल प्लेन वाली लाइट के बजाय कैरल की लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। इन आत्माओं को शायद ये तक नहीं पता कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और इन्हें फिर से लाइफ और अर्थली प्लेजर्स को फील करना है। उन्हें ये सारी चीज़ सिर्फ कैरल के थ्रू ही मिल सकती है। अब ऑब्वियसली सारी आत्माएं बुरी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड हैं। लेकिन दोस्तों, वहाँ एक डार्क एनर्जी भी है, जिसे हम बीस्ट बुला सकते हैं, और इसी बीस्ट ने कैरल को अपने पास रखा है, ताकि बाकी आत्माएं स्पिरिचुअल प्लेन के लाइट की तरफ जाने के बजाय कैरल की तरफ अट्रैक्ट हों। नाउ आई नो ये बातें काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, इसलिए मैं एकदम शॉर्ट में आपको इन स्टेटमेंट्स की बेसिक मीनिंग बता देता हूँ। सो बेसिकली कैरल एक डिफरेंट वर्ल्ड में है, जहां एक बीस्ट कैरल को बहला फुसला कर अपने पास रखा है, क्योंकि कैरल के अंदर एक लाइफ फोर्स है, जिसकी रोशनी से बाकी की कन्फ्यूज्ड आत्माएं स्पेक्ट्रल लाइट के बजाय कैरल की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। बीस्ट कैरल की मदद से लाइफ को फील करना चाहता है, और इन सब से बचने के लिए कैरल को इन आत्माओं को स्पेक्ट्रल लाइट का रास्ता दिखाना होगा। तो स्टीवन, डॉक्टर लेश, रायन, डायना और टैंजीना खुद को तैयार करते हैं, ताकि ये लोग कैरल को वापस हमारी दुनिया में ला सकें। टैंजीना इस काम के लिए रेड रिबन्स, हैंडकरचीफ्स, रोप्स और टेनिस बॉल्स मंगवाती है, और रायन इन टेनिस बॉल्स को नंबर कर रहा था। टैंजीना बताती है कि दूसरे डिमेंशन के अंदर जाने का रास्ता कैरल के रूम वाले क्लोजेट से है, और वहां से बाहर निकलने का रास्ता लिविंग रूम के अंदर वाला पोर्टल है। इसीलिए वो डायना को कैरल से बातें करने को बोलती है, जहां डायना कैरल को लाइट की तरफ भागने को बोलती है। ऐसा करने से बाकी की आत्माएं भी कैरल के पीछे भागेंगी, जिससे उन्हें स्पेक्ट्रल लाइट मिल जाएगी।
Meanwhile, Tangina क्लॉजेट वाली पोर्टल में टेनिस बॉल फेंकती है और ये टेनिस बॉल्स लिविंग रूम वाले पोर्टल से बाहर आता है, यानी कि उनकी थ्योरी सही थी और इसीलिए डायना अपने कमर में एक रस्सी बांधकर इस पोर्टल के अंदर अपनी बेटी कैरल को बचाने जाती है। लिविंग रूम में रायन और डॉक्टर लीश इस रोप को खींच रहे थे और कैरल के रूम में स्टीवन और टैंजिना इस रस्सी को खींच रहे थे। इस प्रोसेस में कई स्पिरिट्स को स्पेक्ट्रल लाइट मिल जाती है और धीरे धीरे ये लोग कामयाब हो रहे थे। जल्दी हम व्यूअर्स बीस्ट को भी देख पाते हैं जो कि स्टीवन पे अटैक करता है और इतने में लिविंग रूम वाली पोर्टल से डायना अपनी बेटी कैरल के साथ नीचे गिरती है। ये दोनों अजीब से चिपचिपे पदार्थ में लिपटे हुए थे और स्टीवन फौरन इन्हें बाथटब में डालता है। जल्दी दोनों होश में आ चुके थे और डायना फाइनली टैंजिना की मदद से अपनी बेटी को दूसरे डिमेंशन से वापस ले आई थी। टैंजिना कहती है कि स्टीवन का घर अब आत्माओं के चंगुल से बाहर है। इस इंसिडेंट के बाद ये परिवार इस जगह से मूव होने का प्लान करती है और स्टीवन अगले ही दिन अपनी रेजिग्नेशन देने ऑफिस जाते हैं। इसी दौरान हमें पता चलता है कि कैरल को इन घटनाओं के बारे में कुछ भी याद नहीं था और डायना के कुछ हेयर्स व्हाइटिश हो गए थे। डायना घर के सारे सामान पैक करवा रही थी और ठीक अगले दिन ये लोग इस जगह को छोड़कर जाने वाले थे, लेकिन इसी रात हम व्यूअर्स डायना को एकदम से हवा में अपने आप ही उड़ते हुए देखते हैं, विच प्रूव्स कि बीस्ट अब तक हार नहीं माना है। रॉबी की क्लाउन वाली डॉल उस पर अटैक करती है और कैरल के कमरे में एक बार फिर से एक पोर्टल ओपन होता है, विच सजेस्ट कि बीस्ट इन बच्चों को फिर से किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। डायना किसी तरह अपने बच्चों के कमरे में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ उसे एक अजीब सी भूतिया आकृति रोकती है और इसीलिए वो मदद मांगते हुए घर के बाहर जाती है। घर के बाहर डायना फिसल के स्विमिंग पूल में गिरती है, जहाँ से ढेर सारे कंकाल बाहर निकलने लगते हैं। कंकाल के अलावा यहाँ से कई कब्र भी बाहर निकल रहे थे और इससे पहले डायना इन सब के बीच फंस जाती, डायना के पड़ोसी वहाँ आकर उसे पूल से बाहर निकालते हैं। बाहर निकलने के बाद डायना फौरन ही घर के अंदर जाती है और वो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती है। कैरल के कमरे में एक अजीब सी ओपनिंग थी जो कि किसी मॉन्स्टर के मुंह की तरह लग रहा था और ये ओपनिंग बच्चों को अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रही थी। डायना किसी तरह अपने दोनों बच्चों को कमरे से बाहर निकालती है और ऐन वक्त पे वहाँ स्टीवन भी आते हैं। घर में जगह जगह से ढेर सारे कब्र और कंकाल बाहर निकल रहे थे और इन इंसिडेंट्स के बीच स्टीवन को पता चलता है कि जब उसके बॉस ने क्वेस्टा वर्दर के ज़मीन से कब्रिस्तान को हटाया था तो उन्होंने कब्रों की बस हेडस्टोन हटाई थी, यानी कि इस कब्रिस्तान की सारी डेड बॉडीज़ आज भी यहीं थी और फिलहाल वही कब्रें बाहर निकल रही है। स्टीवन अपने परिवार के साथ फौरन अपने कार में बैठकर यहाँ से भागते हैं और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि स्टीवन का पूरा घर उस पोर्टल के अंदर समा जाता है। ये परिवार क्वेस्टा वर्दर से दूर जाकर एक होटल में रहते हैं, जहाँ स्टीवन होटल की टीवी को रूम के बाहर रखते हैं। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी पॉल्टरजाइस्ट मूवी की स्टोरी और इस फिल्म की कहानी फेयरली सिंपल है। अगर आप आज इस फिल्म को देखेंगे तो आपको इसकी इफ़ेक्ट्स या फिर स्टोरी लाइन उतनी पसंद नहीं आएगी, लेकिन 1982 के हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म है। इनफैक्ट इस फिल्म को अपने इफ़ेक्ट्स के लिए ऑस्कर तक में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन अगर आज आप इसके इफ़ेक्ट्स देखेंगे तो आपको काफ़ी बचकाने लगेगी। अब जिन्हें स्टोरी में अब भी कन्फ्यूजन है, उन्हें मैं शॉर्ट में बता दूं कि क्वेस्टा वर्दर स्टेट्स जहां बनी थी, वहां पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था और बिल्डर ने इस जगह की कब्रों को हटाने के बजाय उनकी सिर्फ टॉप पोर्शन को हटवाया। इस वजह से क्वेस्टा वर्दर स्टेट्स में कई आत्माओं का वास था और इनमें से एक बीस्ट नाम की शैतानी शक्ति किसी लिविंग फोर्स को अपने पास रखना चाहती थी। इसीलिए बीस्ट ने कैरल को किडनैप किया, लेकिन फाइनली ये परिवार इस जगह से बचकर भाग पाई। अब दोस्तों, इस फिल्म की कुछ सीक्वल्स भी बनी हैं, लेकिन वो फिल्में उतनी अच्छी नहीं हैं। बट स्टिल, अगर आपको उनकी स्टोरी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे पेटीएम पे डोनेट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। Peace.